हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ते समय सभी ग्रहों का कलर पढ़े थे, लेकिन उसमें दो के कलर के बारे में कुछ नहीं लिखा था। एक था मरकरी, दूसरा था वीनस, और उन दोनों को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। हमारा सूर्य है, सूर्य के बाद जो ग्रहों का क्रम था, मरकरी यानी बुध सूर्य की परिक्रमा अपने ऑर्बिट पर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। बुध के बाद शुक्र यानी वीनस, वो भी अपने ऑर्बिट पर सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। इसके बाद थर्ड है पृथ्वी अर्थ, ये भी अपने ऑर्बिट पर सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिट पर कर रही है। अब इसमें हमको देखना है कि मरकरी और वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार क्यों कहा जाता है। इसको समझने के लिए हमको देखना होगा कि हमारी पृथ्वी का जो भाग सन की तरफ फेस कर रहा है उसमें तो दिन होगा, और जो भाग सन के अपोजिट में है वहाँ होगी रात। और पृथ्वी अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसलिए रात के बाद जब ये पार्ट घूमकर यहाँ आएगा तो यहाँ होगा मॉर्निंग। दिन के बाद प्लेस जब यहाँ आएगा तो वहाँ होगा इवनिंग। अब हम लोग देखते हैं कि मॉर्निंग में ये वीनस और मरकरी कैसे दिखता है। ये अपने ऑर्बिट पर चल रहा है, इसकी पोजीशन कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ होगी। सपोज इसकी पोजीशन यहाँ पर है, सन की रेज इस पर जाएंगी, इसके सरफेस पड़ेंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आएंगी। कहाँ पर, जहाँ पर पृथ्वी पर मॉर्निंग है। और मॉर्निंग में जब सूरज दिखने के थोड़ा सा पहले आप उठते हैं तो सन की रिफ्लेक्टेड रेज जो बुध की सतह से रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनसे डिफ्यूज होकर विसरित होकर हमको दिखती है। कब, सूरज के दिखने के पहले, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। इसको मरकरी को स्टार तो नहीं है, ये तो रियली बुध एक ग्रह है। स्टार क्यों दिखता है, क्योंकि मॉर्निंग में सूरज के दिखने के पहले सूरज का ही प्रकाश है जिसकी सतह से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ दिखता है। इसको मॉर्निंग में ग्रीक्स ने देखा था, उन्होंने इसको अपोलो कहा। इसी तरह से इसकी एक पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि यह माने मरकरी 88 डेज में एक रिवॉल्यूशन कर लेता है सूर्य के चारों तरफ, एक परिक्रमा, और पृथ्वी 365 दिन में एक परिक्रमा करती है। इसलिए यदि इसकी पोजीशन यहाँ है तो सन की रेज आएंगी, मरकरी की सतह पर पड़ेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी। यहाँ माने पृथ्वी अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। दिन माने सूरज इस प्लेस पर अस्त होने वाला है, शाम शुरू होने वाली है, जिसको इवनिंग कहा जाता है। इवनिंग हो गई, आप यहाँ खड़े हैं, सन इनविजिबल हो गया, सूरज अब नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको एक प्रकाश दिख रहा है। कहाँ से आ रहा है, मरकरी से, इसलिए यह शाम के समय भी दिखता है। और ग्रीक लोगों ने इसको शाम के समय मरकरी कहा। कुल मिलाकर यह मॉर्निंग स्टार भी है और यह इवनिंग स्टार भी है। अब आइए हम लोग देखते हैं शुक्र वीनस, इसकी भी वही ऑर्बिटल डायरेक्शन है जो कि मरकरी की है। यह भी अपने ऑर्बिट पर सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।
यदि इसकी पोजीशन यहाँ पर है तो उस समय सन की रेज आएगी, इसकी सतह पड़ेगी, पड़ने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होकर के मॉर्निंग में आएगी, तो मॉर्निंग में भी ये दिखेगा। और मॉर्निंग में ग्रीक लोगों ने इसको फास्फोरस कहा, चमकीला दिखता है ना, इसलिए वीनस भी मॉर्निंग स्टार होगा। अगर इसकी पोजीशन यहाँ है तो सन की रेज इस पर आएगी, इसकी सतह से रिफ्लेक्ट होकर इवनिंग में भी दिखेगी, इसलिए इसको ग्रीक लोगों ने इवनिंग स्टार भी कहा, हेस्पेरस। किस तरह से आपका मरकरी और वीनस दोनों मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स हैं। स्टार्स मतलब कि सन की रेज ही इनकी सतह से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर मॉर्निंग में और इवनिंग में दिखती है। इसमें एक चीज और समझना है कि क्यों यही मरकरी और वीनस ही मॉर्निंग और इवनिंग स्टार है। हमारे सौरमंडल में तो और भी ग्रह हैं, लेकिन इसका उत्तर आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि यही दोनों सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। शेष ग्रह पृथ्वी से बाहर की ऑर्बिट में हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे मंगल, बृहस्पति, सन, इस तरह से। इसलिए सूर्य का प्रकाश इन्हीं दोनों से रिफ्लेक्ट होकर मॉर्निंग और इवनिंग में दिखता है, इसलिए इन्हीं दो को ही मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। अब इसमें एक चीज और है, चंद्रमा। आप क्या बता सकते हैं कि ऐसे चित्र बने रहे तो क्या उसमें चंद्रमा ए प्लेस पर होगा, बी पर, सी पर, कहाँ पर होगा? इसका उत्तर आप दे लेंगे, सी पर होगा। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है अपने ऑर्बिट पर, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, जिसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा में। तो यह क्यों स्टार नहीं कहलाता है? क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास तो अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य से ही प्रकाश लेकर वह रिफ्लेक्ट करता है पृथ्वी पर रात के समय, लेकिन उसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार नहीं कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है। तो उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। एक चीज समझ लेना जरूरी है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो ग्रहण लगता है। कौन ग्रहण लगता होगा? आंसर क्लियर है, सूर्य ग्रहण। तो इसी तरह से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच मरकरी आ गया तो भी तो ग्रहण लगना चाहिए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच से वीनस शुक्र पार हो रहा है तो भी तो ग्रहण लगना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है। क्यों? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि ये दोनों पिंड आकार में छोटे हैं। इसका मतलब चंद्रमा आकार में बड़ा है? नहीं, चंद्रमा तो आकार में इन दोनों ग्रहों से भी छोटा है। फिर क्यों चंद्रमा से सूर्य ग्रहण हो जाता है? उत्तर क्या होगा? चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास है। अगर कोई छोटे आकार की चीज हमारे आंख के बहुत पास हो जाएगी तो सामने की चीजों पर ग्रहण लग जाएगा, लेकिन अगर बड़ी चीज है और बहुत दूर है तो ग्रहण नहीं लगेगा। अर्थात मरकरी और वीनस से ग्रहण नहीं लगता है। फिर भी पृथ्वी से यदि आप देख रहे हैं तो यह दोनों पिंड सूर्य की सतह के सामने से गुजरते हुए दिखते हैं। कैसे? जैसे एक काला काला धब्बा, छोटा सा सन स्पॉट जैसा। सन स्पॉट है नहीं, क्योंकि सन स्पॉट के बारे में आप सीख चुके हैं। फिर ये क्या है? इसको कहते हैं ट्रांजिट, पारगमन। पारगमन शब्द केवल मरकरी और वीनस दो के लिए किया जाता है, क्योंकि और सभी ग्रह पृथ्वी के बाद में है। इस तरह से ये दोनों मॉर्निंग और इवनिंग स्टार हुई। दोनों हुए
पुस्तक वाले तो एक को लिखते हैं, कहते हैं कि केवल वीनस ही मॉर्निंग और इवनिंग स्टार है, मरकरी को लिखते ही नहीं। लेकिन ग्रीक्स ने दोनों को देखा और आप भी दोनों को देखते होंगे, इसलिए दोनों हैं। आप सुबह सूर्योदय के पहले पूरब के क्षितिज पर देखिए तो दोनों चमकीले दिखते हैं, और शाम को सूर्यास्त के बाद भी देखिए तो दोनों चमकीले दिखते हैं, अर्थात दोनों मॉर्निंग और इवनिंग स्टार है। बात एक बनती है कि यदि विकल्प में दोनों है तब तो ठीक, आपका टिक सही है, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन विकल्प में यदि है कि मरकरी या वीनस, एक पर निर्णय सुनाना हो तो आप किस पर सुनाएंगे, फैसला ले लीजिए। ज्यादा किताब वाले वीनस लिखे हैं, क्यों? क्योंकि वीनस ज्यादा चमकीला दिखता है, नंबर एक। ये भी एक प्रश्न हो सकता है, वीनस को क्यों मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है, ज्यादा लोग बोलते हैं, क्योंकि ज्यादा चमकीला दिखता है। दूसरा विकल्प, क्योंकि इसके पास ज्यादा टेम्परेचर है, +475। तीसरा, यह पृथ्वी के पास है, ज्यादा देर तक दिखता है। यदि इन्हें तीन विकल्प में निशान लगाना है तो आप किस में लगाएंगे, ज्यादा देर तक दिखता है अर्थात ज्यादा लोग देख लेते हैं, अर्थात इसको वोट देने वाले ज्यादा हैं। इस तरह से कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसके लिए आप तैयार रखेंगे। ये रहा मरकरी और वीनस का मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहलाने का कारण। अब इसमें एक चीज एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि तो नहीं, एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि समझना जरूरी है। हम लोग सीखे थे कि मरकरी 88 दिन में 88 डेज में सूरज की एक परिक्रमा कर लेता है, और पृथ्वी 365 दिन में। जैसे मरकरी यहाँ से स्टार्ट किया तो 88 डेज में यहाँ फिर फिरा जाएगा, अर्थ यहाँ से स्टार्ट की 365 दिन में फिर यहाँ आ जाएगी। अब ज्योतिष में कुछ ग्रहों के उदय और अस्त की बात कही जाती है, और जब उनका उदय होता है तब शुभ समय माना जाता है, और उसमें लगन अच्छे मुहूर्त का विचार कर भारत में अच्छे काम किए जाते हैं। जब मरकरी या बुध का उदय है तब अच्छे काम किए जाते हैं। अब हमको देखना है कि पृथ्वी से यह साल में 3 बार ही दिखाई पड़ता है, एक बार जब उदय हो जाएगा तो 1 महीने से ज्यादा तक दिखता रहेगा, उसी समय शुभ समय माना जाता है। जैसे कि यह 88 दिन में एक परिक्रमा करेगा, यहाँ से स्टार्ट किया और पृथ्वी से अभी दिख रहा है, ये 88 डेज में यहाँ जब पीछे आ जाएगा, यहाँ से 88 दिन पूरा आएगा तो लगभग 44 दिन बाद एकदम पीछे आ जाएगा, सन के अस्त हो जाएगा, नहीं दिखेगा कहाँ से, पृथ्वी के लोगों को, तो माना जाएगा मरकरी अस्त हो गया है, बस पंडित जी रुक जाएंगे। इसी तरह से फिर जब ये पीछे से घूमकर यहाँ आएगा तो बुधोदय हो जाएगा, बुध का उदय, शुभ कार्य शुरू। तो साल में 3 बार दिखता है, एक बार जब शुरू होता है तो 1 महीने से ज्यादा तक। इसी तरह से वीनस भी अपने ऑर्बिट पर घूमता है, और ये भी एक परिक्रमा ज्यादा समय में करता है, इसलिए साल में यह 1 ही बार दिखता है, क्योंकि इसका परिक्रमण अवधि लंबी होती है, 200 दिन से ज्यादा, तो इसलिए यह 1 ही बार दिखता है। अब हम लोग देखते हैं कि ज्योतिष में जैसे सूर्य तो हमेशा दिखता है, और मरकरी के अस्त होने की बात कही जाती है, वीनस के अस्त और उदय होने की बात कही जाती है, चंद्रमा के उदय और अस्त होने की बात कही जाती है, इसी तरह से इन ग्रहों का ज्योतिष में ज्यादा महत्व है। लेकिन इससे दूर वाले ग्रह मंगल, बृहस्पति और शनि के उदय और अस्त की बात कम कही जाती है, क्योंकि दूर के हैं और हमारे पृथ्वी के वासियों को वो कम प्रभावित करते हैं।